सर, अब बलिया नगर विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया, अब 10 तारीख का इंतजार है। खास तौर पे मतदाताओं के लिए क्या संदेश है, क्या किस तरीके से उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं? बलिया के मतदाताओं ने बहुत प्यार और स्नेह दिया और मैंने कहा है कि जो है 10 तारीख के बाद जो है प्यार और स्नेह को ब्याज सहित वापस करूँगा और इतने कम समय में इतना प्यार स्नेह मिला, मैं ये कह सकता हूँ कि ये मतदाताओं का ही स्नेह था कि वो आगे आगे चल रहे थे और मैं पीछे पीछे चल रहा था। चूंकि सर अब प्रदेश के बड़े नेता हैं, खासतौर उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, अब 7 तारीख को अन्य जगहों पे चुनाव होने वाला है, चूँकि आपके प्रधानमंत्री के क्षेत्र में भी चुनाव है, पूर्वांचल के जिलों में है, तो क्या कुछ और भी जिम्मेदारी है क्या कि यही 5 दिन बिताना है? नहीं नहीं, अभी मैं आज हमारे बहू और गाजीपुर में पार्टी ने कार्यक्रम लगाया है, जिसमें जो है बहू विधानसभा में, घोसी विधानसभा में और आज जो है वहाँ आपके मुर्दाबाद विधानसभा में, 3 विधानसभाओं में आज मेरा कार्यक्रम। कल भी मेरा कार्यक्रम था लेकिन मैंने कैंसिल करा दिया था क्योंकि हमारे बहुत खास खास लोगों को, जैसे पिंटू सिंह के पिताजी की तरह थी, कई लोगों का था, उसमें जाना मेरा जरूरी था, आज जा रहा हूँ। ये रही बात मतदाताओं के लिए, खास तौर जो आपने टीम बनाया था चुनाव लड़ने के लिए, जो टीम आपने तैयार किया था, उस टीम के लिए क्या संदेश है? देखिए, बलिया के नौजवान जो है बहुत ही मैंने परिश्रम किए और बहुत ही उनके अंदर उत्साह था, तो मैं नौजवानों को बधाई देना चाहता हूँ कि वो अपने जिस उद्देश्य से, वो जितने ताकत से लगे थे, सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।